हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनु ट्यूटोरियल। मु अनु आपन समस्तंगो पुनी थरे हमरा चैनल को स्वागत जणौचे। तो आमे माने जे देखिया कोनो ना आमे माने देखुतले समस्ते मेघदूतम रो वीडियोस। तो लास्ट वीडियो रे जते बेले मु आपन मानंगो देथिली कोनो ना पांचटी श्लोक, माने श्लोक रो जस्ट अर्थटा आमे देखिथिले। तो आज आमे देखिबा श्लोक रो व्याख्या कोनो, ठीक अछि। तो मु दुईटी श्लोक नै के आसीछि। तो लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने कहतले, पिला माने इगुडी को होछ लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क रे आपन मानक आसीछि बा एक्सप्लेनेशन बा सरल अर्थ जोटा आमे ओडिया रे कहूछे, ठीक अच्छे। तो देखो कौन रही भिडियो यहाँ हूँ थर्ड सेमिस्टर पाई, सेकेंड इयर पिलामानंकर, ठीक अच्छे, संस्कृत अनर्स पिलामानंकर। आसत कौन ना यूनिट 1 आउ 2 आपण मानकर रही कौन ना मेघदूतम भिडियोज। मेघदूतम क्लास आरंभ हो प्रपर्ली आपने टाइम टाइम भिडियोज देखी दिंतु, ताकि आपने बुझीपर जे कौन रही भिडटे। तो चलतु आरंभ करवा भिडियो डेरी न करी। जदि चैनल मोर नुआ अच्छा चैनल टी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखे बेल आइकन को दबे दिंतु और अल्ल नोटिफिकेशन प्रेस कर दिंतु, ताकि मुँ बनाऊ सब भिडियो नोटिफिकेशन आप समस्त सर्वप्रथम मिलजिव। भिडियोटे भल लगे लाइक करूँ, सांग सहित सेयर करने जमान भूलुनि। तेज चलत आरंभ करवा भिडियो डेरी न करी देखूँ कौन रही भिडटे। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छे कश्चित कांता, जो श्लोक आम पढ़ले विरह गुरुना से ही श्लोकटर अर्थ। तो देखो कुबेर थे एक जक्ष को तांको उद्यान रक्षक रूप से कौन करते ना निजुक्त करते। नवविवाहित से ही जक्षटी कर्तव्य पालन में अवहेला करथिबारु एकदा ऐरावत हस्ती आसी उद्यान को नष्ट करदेला, ठीक अच्छे। तो कुबेर ताहा सुनी अत्यंत क्रोधित हेले एवं उद्यान रे देखिले अन्य मनस्क थिबा जक्ष को, तांकर क्रोध आहुरी बढ़ी गला, फलरे से जक्ष को अभिशाप देले। अभिशप्त होई प्रिया विच्छेद दुख को भोगिबा को पड़ला जक्ष को। जक्ष अलकारु निर्वासित होई बसति स्थापन कला रामगिरी आश्रम। रामगिरी रे थिबा बेले से नवविवाहित चिंतार निमग्न रहिला, कौनसी निर्दिष्ट स्थान रहिबा को से असमर्थ थिला। मन अस्थिर थिले भी रामगिरी अनिर्वचनीय परिवेश मध्यरे से रहुथिला। नमेरु वृक्षर छायारे रामगिरी अपूर्व शोभा को धारण करथिला। सेठरे प्रवाहित झरणार जल अत्यंत मधुर एवं स्नानानुकूल थिला। श्री रामंकर सहित वनवास समय जनक तन्नया सीता से ही झरणार स्नान करथिबारु तांकर जल होइथिला अत्यंत पवित्र। किंतु सेपरी परिवेश जक्षर दुख को दूर करिबा परिवर्ते अधिक संतप्त करथिला। विरही जक्ष प्रियतमा को भाभी भाभी कोनोसी प्रकारे 8 मास अतिवाहित कला, ठीक है बुझिपारे। तो से कौन है ना कष्ट बहुत कष्ट से 8 मास तार काल अतिवाहित करथिला। तापर कौन है नेक्स्ट श्लोक देखिबा, तस्मै नद्रौ ददर्श, ठीक अच्छे। द्वितीय श्लोक आपण मैंने देखिए, तो कुबेरंक द्वारा अभिशप्त हो रामगिरी आश्रम 8 मास बीतवा पर आषाढ़ मासर प्रथम दिन में आकाश में देखला जक्ष मेघखंड को। मेघ को देखी जक्ष मन में आशार संचार हो से ही जक्षर संदेश नहीं जीव अलकापुरी प्रिय निकट को। प्रिया विरही जक्षर अभिशापर अवधि शेष हेब। तापर कौन सांग पाणी कार्तिक मासरे भुजग शयन ठार उठा पर अभिशप्त हो 8 मास बीतवा पर अवशिष्ट 4 मास जक्ष को कौनसी प्रकार कटाइबा को हेब। अवशिष्ट 4 वर्ष जक्षपाई अत्यंत कष्टप्रद, विच्छेद दुख तार अत्यंत दुर्दुष अटे। तापर कौन ना विरह दुखरे तार शरीर क्षीणतर है, तार मणिबंधर खसी पड़ा सुवर्ण कंकण, बुझी। प्रिया सहित मिलित होबार इच्छा रे थाई भी से असहाय, कौन कौन आवश्यक करि परिबो सेठारे केही तो ता पाखरे नाहंती, एकुटिया से अछि से जगह रे बंदी स्वरूप बंदी नुह। किंतु जेहेतु रामगिरी आश्रम रे से कौन अभिशाप पाइके थिला से जक्षटी, से प्रिया ठारो बहुत दूर रे थिला ता प्रियतमा ठारो। पुणी कहि देखंतु ना केही भी जने नाही तार संदेश नै तार प्रिया निकट को जीवा पाई। किंतु आषाढ़ मासर आरंभ रे पर्वत शिखर रे लग्न मेघ को देखि ताकु जीवित किंबा अजीवित विचार न करी जक्षता माध्यम रे प्रिया निकट को संदेश प्रेरण करने को इच्छा कला। सेतेबेले मेघ दृश्यमान होउतला वप्र क्रीड़ारत एक गजपरे सरी। तो कौन है ना सेठारे से जो देखी मेघखंडटी से मेघखंडटी कौन गोटे क्रीड़ा करुवा गोटे गज गोटे ऐरावत हस्ती परी से देखा जाऊला, क्रीड़ारत एक गज परी देखा जाऊला, बुझे। सो आशा करुच समस्त जापार दुईटा जाक लंग क्वेश्चन बा दुईटा जाक सरलार्थर व्याख्या आम अर्थ देखी आज आम व्याख्या देखिले। सो आशा करुच्छे भिडियोटी निहाती हेल्पफुल रही। नेक्स्ट भिडियो आम जल्दी जल्दी देखा आग को आउ कौन रही भिडियोज। तेब ये रोचे आउ गोटे नौ भिडियो आप समस्त सहित मुझे पुणी थे देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग।